तीन है हीटर की चीज, ठीक है ना। स्टीम की जो पानी पीछे से आ रहा है, जो पानी पीछे से आप आ रहा है उसकी पीएच कितनी है, फर्स्ट करने 7.2 है, ठीक है। और जब वो आकर आपके फीड वाटर टैंक में गिर गया, और अगर उसके अंदर आपके डिएरेशन ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और जैसी है तो कार्बोनिक एसिड बना, जैसे कार्बोनिक एसिड बना वैसी आपके पानी की पीएच ड्रॉप हो गई। जब पानी की पीएच ड्रॉप हो गई तो आपको पता चला डिएरेशन काम नहीं कर रहा। और हम कहते हैं वो भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, और फिर अलॉयज जो है इन माई अंडरस्टैंडिंग अब तक जो अलॉयज तो डेवलप किए गए थे फॉर द बेटर प्रॉपर्टीज इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस और एनी गिवन कंडीशंस, इन एनी गिवन कंडीशंस जिनमें जाके उन्होंने सर्व करना है अलॉयज ने, उसके लिए डिफरेंट मेटल्स को मलगम करके इनका तो बनाए गए कि इन कंडीशन में ये बेहतर सर्व करेंगे। और अगर इनसे ये नेगेटिव एक आस्पेक्ट डेवलप हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से गैल्वेनिक एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाई डोंट वी गो फॉर प्योर मेटल्स दैट आर मोर रेजिस्टेंट। सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जवाब इसका स्केल है और दोनों हाथों पे एक एक पूछे कैसे। सवाल बहुत अच्छा है, बड़ा लॉजिकल सवाल है। मैं एक मेरे पास प्योर आयरन है 100% या प्योर कॉपर है 100%, और मुझे कैसी ट्यूब बनानी है जिसमें से स्टीम का जो प्रेशर है वो 2000 PSI तक मैं ले जाऊं, क्या मुमकिन है? तो कॉपर ये एक्सेप्ट कर लेगी या आयरन ये एक्सेप्ट कर लेगी? जो आपके बॉयलर की एफिशिएंसी है, प्रेशर है, जो मेटलर्जी आपके यहाँ है, क्या यही मेटलर्जी मैं 2500 PSI का 250 MW पावर स्टेशन में यही मेटलर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपको कितनी प्रेशर बेयरिंग कैपेबिलिटी एलॉय की चाहिए। अब अगर इसके आप क्या जो है फर्ज कर ले उसके अंदर क्रोमियम जो है वो 2% है, लेकिन अगर आप अपने तौर पर करेंगे और ये आप बड़े पावर ऑफ या बड़े बॉयलर पे चले जाएंगे, वहां इस 2 से काम नहीं चलेगा। प्रेशर बेयरिंग कैपेबिलिटी जो है वो क्रोमियम बढ़ाता है, ठीक है। तो क्रोमियम लाजमी डालना है, एक बात। आयरन इसलिए लाजमी डालना है कि बड़ी इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एनर्जी हो जाए। कॉपर इसलिए डालना है कि उसके अंदर सॉफ्टनेस भी आ जाए। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई वी आर गोइंग टू यूज अलॉय। इट इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट, इट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज अलॉय फॉर द डिफरेंट प्रेशर एट द डिफरेंट स्टेजेस, राइट। तो आप खाली कॉपर कर दिया, ये ले ना कॉपर का वायर, ना मोड़े कितनी जल्दी रॉड टूट जाती है, क्रोमियम को मोड़ के दिखाए ना मुझे, तो लग पता जाएगा मुड़ेगी नहीं, बिकॉज इट इज ए 100 times हार्डर रादर देन द क्रोमियम वो कॉपर। एनीवे सो मटेरियल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इक्विपमेंट, हाउ मच यू नीड टू यूज योर प्रेशर इन योर सिस्टम। आपका बॉयलर और आपकी ये ट्यूब ले जाके मैं वो 2000 PSI के बॉयलर में नहीं लगा सकता, ठीक है ना। और खाली क्रोमियम भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर खाली क्रोमियम हो तो मुझे हीट की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो मुश्किल होगी। इसलिए मुझे उसमें आयरन भी डालना है, उसमें सॉफ्ट करने के लिए मुझे, आप देखे ना ये ब्रिजेस बनते हैं, है ना। आप ब्रिज के ऊपर चल रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा आपको लगता है कि वो हिल रहा है, क्यों? कुछ ना कुछ उसमें लाठ स्थिति होती है ना, क्यों? अगर 100% स्ट्रेंथ होता है गिर जाएगा उसी मौके। इवन द गैप्स भी रखे होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, क्या होता है ना, समझ में आ गई बात। हाँ जी,
सर जस्ट एक छोटी सी और क्लियर जस्ट भाई आप पांच पूछ ले ये साइक्लो ये साइक्लो हेक्सालेमाइन अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ये ऑर्गेनिक बेस्ड कंपाउंड है तो इससे कोई वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉयलर में वो नहीं बनेंगे जो कि स्मेल वगैरह या इस तरह अमोनिया सबसे वो बिजी डिकम्पोज होगा उसके बाद C4H9 है ये जितना क्लोज साइकिल होगा उतना डिफिकल्ट होगा इसको डिकम्पोज करना ठीक इसके यूज करने का मकसद ही सिर्फ यही है अदरवाइज ये महंगा साइकिल हेक्सालेमाइन ये सस्ता है ये इस्तेमाल कर ले आदमी और ये उससे भी सस्ता है ठीक है ना तो साइकिल हेक्सालेमाइन इज अ फर्स्ट एनीवन क्वेश्चन